नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर को लेकर। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। बिजली महकमे के कैजुअल डेलीवेजर जितने भी हैं उनके मामलों को सुलझाने की कोशिश के बाद सरकार अब दूसरे मामलात पर नजर रखे हुए है। और आज रहबरों की बारी थी, और रहबर ज़िरात, रहबर जंगलात या दूसरे जितने भी रहबर हैं उन सब का मामला भी आज आला सती मीटिंग में लिया जा रहा था। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्कद हुई इस मीटिंग में रहबर ज़िरात पर भी नज़र रखी गई, जंगलात रहबरों का मामला भी सुलझाए जाने की कोशिश की गई, और इन्हीं सभी मामलात में से रहबरों को एक तरह की रहबरी करते हुए सरकार अब नए पड़ाव की तरफ बढ़ना चाह रही है। और माना यही जा रहा है कि इस हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक कई और मामलात जो खासतौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हैं उन पर सरकार की बड़ी नज़र है। सरकार माना जा रहा है कि इन सभी मामलात को नज़र रखते हुए बहुत जल्द बड़े फैसले भी ले सकती है। और जहाँ दिल्ली से इन सभी मामलात को सुलझाने के लिए पैसा भी लिया जा रहा है, वहीं यहाँ पे कुछ कागजी मामलात हैं उनको एक तरह से हल करके सभी मामलात को इस महीने के आखिर तक यानी मार्च के आखिर तक मुकम्मल किया जा रहा है। साफ जाहिर है सरकार की ये पहल, ये कोशिश सुनहरी अल्फाज में भी लिखी जाएगी, क्योंकि 60,000 के करीब डेलीवेजरों का मामला जो कई सालों से अटकता या लुढ़कता ही रहा है, अब सरकार कल में जुम्बेश इसको जुम्बेश इसको मुकम्मल करने जा रही है। साफ जाहिर है एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी काविश जिसकी सराहना भी हो सकती है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जहूर के साथ भी मिला देते हैं, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं देखिए। मेरा नाम बिस्मिल्लाह मंजूर है एंड मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ सैम डिग्री कॉलेज में। जी, एज एवरीबडी नोज कि ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होने जा रहा है यहाँ पे, कि ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, फायदे है इसके बहुत ज़्यादा, कि इससे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि ये ड्रग एडिक्शन जो है, जो इससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, कि ना करें। एंड ये जो प्रोग्राम है ये दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस, सो वी मस्ट यू नो पार्टिसिपेट इन दिस वेरी प्रोग्राम। बिल्कुल, एज एवरीबडी नोज कि ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्टिव नहीं है एक सेहत के लिए, सेहतमंद इंसान के लिए, और जो वेल एडुकेटेड पर्सनस होंगे उनको महत्वपूर्ण पता होगी कि ये ड्रगेशन जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी सुनना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इज़न्ट इट। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स को, उन मतलब पर्सनस को, उन इंडिविजुअल्स को, कि जो इन सबसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि वो ऐसा ना करें, कि क्योंकि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रोवर्ब है कि हेल्दी लाइफ इज़ अ वेरी पायस लाइफ, जो एक सेहतमंद ज़िंदगी होती है वो एक पाक ज़िंदगी होती है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू नॉट यूज़ ड्रग्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग का सिलसिला चल रहा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, हर किसी जगह हो जाए, हम पोस्टर्स छपाएं, सड़कों पे छपाएं, हम इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करें, ताकि हमें पता चले कि यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। और इसमें हमें छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनको नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है, उनको इसमें डाला दिया जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ये दवाई लो, वो करो, ये करो, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। हमारे भाई हैं जिनको अभी पढ़ना चाहिए, वो अभी ड्रग एडिक्शन में लगे हैं, और उनको वो बहुत इफेक्टेड हो रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए, ताकि हमें हर एक बच्चे को पता चले कि ये अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। हम चाहते हैं कि ये हो जाए। ये ड्रग डिडिक्शन जो प्रोग्राम है, ड्रग डिडिक्शन और आयुष्मान भारत, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इनकी इकाई जो है फील्ड आउटरीच ब्यूरो श्रीनगर की ओर से, यहाँ पे आज एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसकी अवेयरनेस करनी है, जो हमारी मंशियात से जो प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में उनसे कैसे निजात हासिल करेंगे, और जो गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत स्कीम है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को, बच्चों को बताएंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके बड़गाम में आज डिग्री कॉलेज बड़गाम में ये मुनक्किद किया जा रहा है। हम जाकिर अली, मैं प्रॉपर बड़गाम से रहता हूँ। ये रिलेटेड एक जो कि अभी हमारी सोसाइटी में कि जो कि हमारे स्टूडेंट है, जो कि हमारे मतलब सेम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इन्फेक्टेड है ड्रग के,
मैं उन स्टूडेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं उन दोस्तों को या भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि वो अगर स्पोर्ट्स की तरह ध्यान दे या स्टडी की तरह ध्यान दे, कोई मतलब ऐसा कसब देखे कि जिसमें उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो ड्रग्स को अवॉइड करे और वो अपने मतलब किसी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे। टीचर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यही बनता है कि कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अर्ली कॉलेज आते हैं कि वो पहले स्टूडेंट्स को गाइडेंस करने चाहिए कि पहले अगर मतलब सेपरेट टाइम में वो स्टूडेंट्स को ये बोले कि जो ड्रग्स के रिलेटेड कुछ मतलब नुकसान होते हैं स्टूडेंट्स को वो अवेयरनेस करे और दूर करे ताकि स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों से दूर रहे। इतना ही खाली है कि जो भी ड्रग्स है या स्मोकर्स है वो सब कुछ छोड़ दीजिए और अपने माँ बाप का ख्याल या अपनी फैमिली का ख्याल, अपना ब्राइट फ्यूचर देखे कि किस में क्या है, उसी में अपना ज़्यादा ध्यान दे। आए दिन अगर हम देखते हैं कि समाज में जो है ये बुरी लत जो है नौजवानों में, खासकर जो हमारी नई नस्ल है, नई पौध है, उनमें लग जाती है, लेकिन हाँ अगर हम अवेयरनेस कैंप हर जगह चलाते हैं लेकिन उसकी तह तक तो शायद ही किसी को नज़र या फिक्र हो या गौर हो। समाज के एक बहसत शहरी होने के हमें ये देखना है कि इसमें जो ये जड़ है वो कहाँ पर है और आस पास जो है पड़ोस पर हमें नज़र रखनी है और माँ बाप पर, वालदेन पर खास कर ये जिम्मेदारी है कि उनका बच्चा किस सोहबत में है, आस पड़ोस में किन से मिलता जुलता है और कहीं वो तन्हाई में तो नहीं बैठ रहा है, कोई ऐसी वारदात तो नहीं कर रहा है कि वो नशे में मुबतला है। तो आए रोज़ हम अवेयरनेस कैंप्स तो ज़रूर चलाते हैं लेकिन तह तक जाना, जब तक कि समाजी बेदारी ना हो, हम अपनी पूरी जिम्मेवारी उठाएं, तब तक इस लत का कोई भी जो हल नहीं है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट क्लिप पेश कर रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है दिखा देते हैं। लगातार आश्वासन दिए जा रहे थे और एक बार फिर से जो है आज हल्ला गुल्ला पर उतरे और पुलिस बल द्वारा जो है उनको रोका गया, धक्का मुक्की तक देखने को मिली है और जिस तरह से आश्वासनों का दौर जो है वो जारी था, मगर एक बार फिर से आश्वासन जो है वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते हुए नजर आए हैं। और BSF CSF बॉर्डर बटालियन हो और लगातार यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो रखा गया था और पुलिस बल द्वारा जो है यहाँ पर उनको यहाँ से गिरफ्तारियां तक देखने को मिली हैं और कई सारे धक्का मुक्की तक देखने को मिला है और ये पूरी तरह से हाईवे को ब्लॉक किया गया था। जो पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको जम्मू के अंदर से देने की कोशिश कर रहे थे, आप इस खबर को शेयर करना ना भूलें और केंद्र सरकार से और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द हमारी जो पद थे उनको जल्द हमें उस पर नियुक्त किया जाए और जिस तरह से आश्वासन दिए गए थे उन आश्वासनों पर जो है वो सरकार खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है और यही मांग करते हुए आज जम्मू के अंदर नजर आए हैं और कई BSF CSF के एस्पिरेंट जो है वो घायल तक हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि एक युवक जो है वो घायल हो जाता है। वो पूरी जानकारी, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और पूरी तफसील से जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की है और भारी पुलिस बल को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ये मांग जो है बच्चों की मांग को जो है वो पहुंचाया जाए। और तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। मत गुरु है मेरा नाम, मंगीपोरा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा। बहुत मुश्किल हो जाता है हमें, हम पानी में रहते इसी में मछली पकड़ते इसी से गुजारा हो जाता है हमारा। हमें बहुत सी दिक्कत हुई है 2-3 सालों में, मछली इतना कम मिलता है, अगर मिलता है थोड़ा बहुत वो भी छोटे छोटे मछली, जब बारिश और बर्फ होती है उनमें हमें बहुत मुश्किल होता है, हम घर में ही बैठे होते हैं, ये बच्चे जो है ये भी घर में ही बैठते हैं, बहुत दिक्कत होती है हमें। उस दिन हम घर में ही बैठते, फिर जब मौसम ठीक हो जाता है तब निकल पाते हैं हम, तब से हम घर में ही बैठते गुजारा करते इसी पे। अच्छी गरा खालान हूर गरा वालान हूर वाव तूफान छी वन छे सारी बस बचत तथासा पढ़ाई परहन बाची मन छन पढ़ाई दे कुस पढ़ाई है साइनन बाचा गरीबी करनावा सलीम सख्ती छ आज गरीबी करनावा आछ बस सहारा युत ओछ सेर सेराना बस डेरस पर बस तन वाता बराबर पौसी है कह ये मेहमान ये मन छापान अस क्या करो जाम तिर वेल ती गई नाश वेल ती गई वो मान पानस पानस तो खुदा सन्दे क्या करो ये अगर ये अच्छा गोहर मिनट कह मदद करा कह मदद ना वो दपा वो यी नव हुकूमत तो वहाँ करो तुम मदद अच्छी कह मदद असु गरीब अच्छा बे वनस अच्छा सह नजरा दपा शिकस लद
اصل نظر اچھا شکست نظر اگر اچھان گام مگر اچھا اس پن سہارا یور پن طاقت یور ناظرین آپ نے دیکھا دریائے جہلم کے کناروں پہ آباد ماہی گیروں کی زندگی کس طرح سے جو ہے مشکلات کی شکار ہیں. ان کی زندگیاں جو ہے کٹھنائیوں اور دشواریوں سے پر ہیں, لیکن آج جب دنیا مساوات کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ آج بھی سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو ان کی زندگی ہے وہ دشواریوں سے پر ہیں, ان کی مشکلات تو بالکل ہیں ان کے پاس, لیکن جو ان کے ساتھ رویہ برتا جا رہا ہے عام لوگوں کی طرف سے اس معاشرے کی طرف سے وہ نیچی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے, جو انہیں جو ہے کافی پریشان کر رہا ہے اور ان کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے. جے کے 24/7 کے لیے میں بانڈی پورہ سے ساجد رسول. سیاست کی ایک خوبصورت تصویر آج اس وقت سامنے آئی ہے جب ڈی ڈی سی ممبر ڈھانگری نے اپنی سیلری کا سارا پیسہ ان بیواؤں عورتوں اور مجبور اور لاچار لوگوں میں تقسیم کیا جو ضرورت مند تھیں. ان سے بات کریں گے. سر کیا سوچا تھا آپ نے کہ یہ اپنی سیلری ساری جو آپ اپنے لوگوں کو دیں گے کہ آگے بھی چلتا رہے گا؟ جی ہاں, میں نے تو جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تو جب میں نے یہ غریب لوگ عوام دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے تب یہ فیصلہ لیا تھا کہ جو بھی مجھے سیلری ملے گی اس کا ایک سنگل پونی بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا, وہ غریب خالی ویڈوز کو بانٹوں گا. کیونکہ جو ہماری ماتائیں بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں رہتا پیچھے, اس لیے جو مجھ سے بنے سرے گا جو 5 سال میں جو مجھے سیلری ملے گی میں غریب ودھواؤں کو بانٹوں گا. سر آج اپنی 1 سال 2 مہینے کی سیلری لوگوں میں تقسیم ہوئی, کتنی بیوائیں آج آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اور کیا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا ہی رہے گا؟ دیکھو اتنی بڑے ایریا میں آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن جو بھی میرے ورکر کارکن تھے ان بالکل غریب بہنیں لائی ہیں. آپ نے نیچے دیکھا ہوگا اندر جا کے کہ بالکل غریب لوگ جو اٹھا کے انہوں نے لائے ہیں ان کو ہم اس بار دے رہے ہیں, اور نیکسٹ جب اگلے سال ہم پھر بانٹیں گے وہ دوسرے راؤنڈ میں دوسری لیڈیز کو لائیں گے اور ان کو بھی مدد کریں گے. سر یہ خوبصورت سیاست کی تصویر راجوری سے سامنے ابھر کر رہی ہے, جس طرح آج آپ نے یہ کام کیا, کیا اس کے لیے آپ آگے کام کریں گے تاکہ جو سرکار کی طرف سے جو اسکیمیں بنائی ہیں ان بیوہ عورتوں تک دور دراز نہیں پہنچ پاتی ہیں ان کو سرکاری فائدہ بھی پہنچے, اس کے لیے آپ کس طرح آگے کام کریں گے؟ جناب اس کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, جتنے بھی پی آر آئیز ہیں, وی ڈی سیز ہیں, ڈی ڈی سیز ہیں, ہم لوگوں کو جو اسکیمیں پتہ چل رہی ہیں ہم گاؤں گاؤں وہ اسکیمیں بھیج رہے ہیں. کسی کو سوئنگ مشین کے لیے جیسے مشین سلنا, کڑھائی کا کام کرنا, جو بھی کام جو بھی اسکیمیں نہیں آ رہی ہیں وہ ہم گاؤں گاؤں اور عورتوں خاص کر ویڈوز اور غریب عورتوں کے پاس پہنچا رہے ہیں, تاکہ وہ لون وغیرہ بھی ان کو دلا رہے ہیں کہ لے کے وہ اپنا کام کاج چلا سکیں. تھینک یو جی. یہ تھے ہمارے ساتھ ٹھاکر رمیشور سنگھ, ڈی ڈی سی ممبر ڈھانگری, جن کی طرف سے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ سیاست کی ایک نئی پہل انہوں نے شروع کی ہے راجوری کے اندر, کی پچھلی جتنی بھی سیلری ان کو ملتی ہے وہ سیلری بیوہ عورتوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہوں گے کالا کوٹ میں ایک بڑا پروگرام کیا گیا جہاں ان بیواؤں عورتوں کو دو ہزار روپے اور ایک ایک ڈریس تقسیم کیا گیا, اور یہ سلسلہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے بھی بات استور اسی طرح جاری رہے گا جب تک ان کی سیلری ان کو ملتی رہے گی. راہل سودن کے ساتھ جمشید ملک, گلستان نیوز, راجوری. اس ہفتے لگاتار بند رہنے کے بعد آج انتظامیہ کی طرف سے لگ بھگ یہ لگ رہا ہے کہ جامعہ مسجد کو اس بار جو ہے کھولا جائے گا. آج ڈی کام کشمیر اور آئی جی پی کشمیر نے سری نگر کی تواری جامعہ مسجد کا دورہ کیا اور یہاں پر جو پوری پریپریشن جو ہے اس کا جائزہ لیا اور جامعہ انتظامیہ سے میٹنگ بھی کی اور ان سے بات چیت بھی کی, اور اس میں سے یہی نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ لگ بھگ اگلے ہفتے سے جو ہے جامعہ مسجد سری نگر کو کھولا جائے گا. کووڈ 19 کی ریسٹرکشنز کے بعد جہاں جموں کشمیر کی سبھی بڑی مسجدوں کو بند کیا گیا تھا, لیکن جب کووڈ 19 میں تھوڑی سی ریلیکزیشن آئی تھی تو پھر ساری جامعہ مسجدوں کو کھولا گیا تھا, لیکن جو تواریخی جامعہ مسجد سری نگر تھے اس کو فی الحال بند ہی رکھا گیا تھا. تو اس کے بعد جو کافی غم و غصہ بھی دیکھنے کو ملا تھا لوگوں میں, کیونکہ لوگ ہمیں ہر جمعہ لگات گھروں سے نکلتے تھے اور جامعہ مسجد کی طرف رخ کرتے تھے, لیکن ان کو پھر مایوس کن ہی واپس لوٹنا پڑا تھا. تو آج انتظامیہ کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یا اگلے ہفتے سے جامعہ مسجد سری نگر کو جو ہے کھولا جائے گا. اس بھی لوگوں میں جو ہے کافی خوشی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ وہ لوگ لگاتار
लगातार गुजारिशें कर रहे थे कि हमें अभी तक समझ नहीं आ रही जामिया मस्जिद को बंद क्यों रखा गया। तो आज ड्यूकॉम कश्मीर और आईजीपी कश्मीर यहाँ आके मीटिंग की है और इन इंतजामिया जो है यहाँ जामिया मस्जिद की उनसे ये बात की है कि शायद आने वाले दिनों में जो ये जामिया मस्जिद खोली जाएगी और यहाँ पर मामूल के मुताबिक नमाज भी होगी और बाकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल बहाल की जाएगी। फिलहाल हम कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि लोगों की जो गुजारिश थी उसको मद्देनजर रखते हुए शायद इंतजामिया कुछ दिनों में ये फैसला ले सकती है और जामिया मस्जिद को खोला जा सकता है। कैमरामैन खान दोसिक के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर एक बीती रात को बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है। हालांकि सुबह भी हमने आपको अवगत कराया था कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो उधमपुर के साथ 13 किलोमीटर दूर समरोली के पास एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई है। लाइव व्यू में आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी लैंडस्लाइड है ये। हालांकि यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए, लेकिन ये लैंडस्लाइड अब तक की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड बताई जा रही है। अगर उधमपुर और चनैनी के बीच की स्ट्रेच की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी लैंडस्लाइड जो बीती रात को हुई है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा एक बार देखिए, वो पहाड़ी से दिखाना आपको चाहेंगे, उस पहाड़ी से लैंडस्लाइड शुरू हुई है। आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि पूरी पहाड़ी ये नीचे आ गई है और इसमें मैक्सिमम जितने भी बोल्डर्स हैं और इसे क्लियर करने में काफी समय लगेगा। हालांकि हाईवे अथॉरिटी की अगर बात की जाए, जो यहां पर कंपनी कार्य कर रही है, उनका कहना है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन यहां पर प्रशासन व ट्रैफिक विभाग चाहता है कि एक ट्यूब को खोला जाए ताकि गाड़ियों की आवाजाही को यहां पर सुचारू किया जाए। लेकिन फिलहाल जो आप लाइव विजुअल देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग के सुमरोली के समीप वहां से देख पा रहे हैं और यहां पर काफी बड़ी लैंडस्लाइड बीती रात को 2 बजे के करीब हुई है और यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए। हालांकि अगर आपको बता दें कि सुमरोली ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण चिनाब वैली या कश्मीर वैली की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बंद हो गया है और किसी भी तरह की गाड़ी की आवाजाही यहां पर नहीं हो रही है। चाहे किसी ने अगर चनैनी जाना है, पत्नीटॉप जाना है या डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ कहीं भी जाना है तो सब गाड़ियों की मूवमेंट यहां पर बंद हो गई है। लेकिन देखिए यहां पर अर्थ एक्सकलेटर्स लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग काफी ज्यादा अहमियत रखता है, सब लोगों का इसी रास्ते से आना जाना रहता है। लेकिन फिलहाल जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, हम भी उनसे यही आग्रह करेंगे कि आज के दिन आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर ना चलें, क्योंकि काफी समय इस लैंडस्लाइड को खोलने में लग सकता है। आपको दिखाएंगे, उस पार दिखाने की कोशिश करेंगे, कश्मीर की तरफ से आने वाली गाड़ियां देखिए वहां पर स्ट्रक हो चुकी हैं। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं, सुमरोली से देख पा रहे हैं और देखिए यहां पर पूरी तरह से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो चुकी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहां पर उच्च अधिकारी मौजूद हैं और एसएसपी ट्रैफिक भी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस विभाग यहां मौजूद है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। हजारों की संख्या में लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में फंसी हुई हैं, लेकिन यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो बीती रात को समरोली के समीप बंद हो गया है उसे खोला जाए। देखिए मैं दोबारा से आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देखिए यहां पर गाड़ियों की आवाजाही दोनों तरफ से रुकी हुई है और यहां पर जो टूरिस्ट हैं या जो लोग जर्नी करना चाहते हैं वो भी यहां पर स्ट्रक हो गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो भी लोग आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर या चिनाब वैली की तरफ आना जाना चाहते हैं, कृपा करके आज अपनी जर्नी को स्थगित कर दें। काफी बड़ी लैंडस्लाइड है, आज तक की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड ये बताई जा रही है। उधमपुर और चनैनी के बीच स्ट्रेच की अगर बात की जाए काफी समय इसे लग सकता है खोलने में, लेकिन देखिए जिस तरह से यहां पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए। ये लाइव विजुअल्स आप समरोली से देख पा रहे हैं। आपको दोबारा से एक पहाड़ी का सिरा ये है और दूसरा भी आपको दिखाना चाहेंगे, वो देखिए वहां पर आप देखिए कि कितनी बड़ी ये स्ट्रेच है जहां पर ये लैंडस्लाइड आई है। और ये लैंडस्लाइड क्या है, सिर्फ बोल्डर्स हैं, इसमें आपको देखने में सिर्फ बोल्डर लगेंगे और काफी युद्ध स्तर पर कई यहां पर अर्थ एक्सकलेटर्स लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि रास्ते को खोला जाए।
हालांकि आपको बता दें कि पिछले 20 घंटे से जो कश्मीर से जम्मू की तरफ जो लोग आना चाहते हैं वो रास्ते में स्ट्रक हो गए हैं, काफी ज्यादा उन्हें परेशानियां भी आ रही हैं। उन्होंने जेके चैनल पर हमें कॉन्टैक्ट भी किया था और कहा है कि जो लोग रास्ते में स्ट्रक हो गए हैं, खासकर अगर रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, उन्होंने रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह किया है कि उन लोगों का खाने पीने का कोई प्रबंध किया जाए और साथ में उन्हें सही जगह पर बिठाया जाए ताकि उनके साथ उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग लोग भी हैं। काफी ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला जाए। हम जो लोग जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं हम भी उनसे यही आग्रह करेंगे कि कृपा करके आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ना चलें। उधमपुर की अगर बात करूं तो उधमपुर में जिखैनी चौक के बाद किसी भी गाड़ी को आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन इसके बीच में लोग काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं और साथ में दोनों ट्यूब जो है वो भर जाती है, उसमें जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो लोकल जनता है, उन्हें भी परेशानियां आती हैं, उनकी गाड़ियां भी उस जैम में स्ट्रक हो जाती हैं। कृपा करके अपनी लेन में रहें और जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं तो उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आज के समय, आज का दिन जो है, आज जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही ना करें, क्योंकि काफी समय जो अभी अगर इस हाईवे 30 की बात की जाए तो 2 दिन बताए गए हैं कि 2 दिन इस रास्ते को खोलने में लगेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में ट्रैफिक विभाग है वो चाहता है कि 8 ट्यूब को कम से कम खोला जाए ताकि गाड़ियों की आवाजाही को सुचारू किया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।